हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीरा के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, क्या कुछ स्टॉक की अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमारे सामने निकल के आ रही है। पूरी डिटेल से समझेंगे और साथ ही में समझेंगे कि अब स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके टारगेट रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम अपडेट की तरफ चलते हैं, फिर हम चार्ट पर बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया अरीडा के शेयर में 6% का उछाल, हालांकि बीच में प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो क्लोजिंग आई है वो 2% से ज़्यादा की आई है। Q1 बिजनेस अपडेट के बाद जमकर खरीदारी, मतलब इन्होंने, क्योंकि अब Q1 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे इस मंथ में, तो इन्होंने अपने Q1 की अपडेट दी है कि कैसा इनका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आपको इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अब जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट इन्होंने दी है। अरीडा के शेयर में आज 1 जुलाई को 6% तक की तेज़ी देखी। यह स्टॉक BSE पे 2.42% की बढ़त के साथ इतने पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे हाँ, जो ये अपडेट है ना, यहाँ पे शेयर में यह उछाल पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद देखने को मिली है। कंपनी ने जून 2024 तिमाही में लोन मंजूरी में सालाना 382.62% की वृद्धि दर्ज की है। यह एक साल पहले की समान तिमाही में 1,893 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,136 करोड़ हो गई है। आज की तेजी के साथ मार्केट कैप 52,424 करोड़ रुपए की हो गई है। अब देखो, Q1 की जो अपडेट दी है ये ना सिर्फ अनुमानित होती हैं, ये नहीं है कि भाई आ गए हैं, अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो जून 2023 तिमाही में 3,174 करोड़ रुपए से 67.61% बढ़कर 5,320 करोड़ रुपए की हो गई है, अनुमान लगाया जा रहा है ये सिर्फ। फर्म ने बताया कि लोन बुक Q1 2024 से बढ़कर 63,153 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले 47,207 करोड़ रुपए की थी, 33% से भी ज़्यादा की है, बढ़ गई है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके Q1 के रिजल्ट अच्छे आएंगे, जिस बेस पे आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अब ये तेज़ी कहाँ तक देखने को मिलेगी, चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है वो हम समझते हैं। जब IPO आया था, आपने देखा होगा, IPO आने के बाद स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए। उसके बाद एक डीप भी आया, फिर से बाइंग का मौका दिया और अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और यहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल रही है। ये कौन सा लेवल है ये समझते हैं, 201 का ये लेवल है, 201.5। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 215 का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। वैसे तो देखो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है Q1 के रिजल्ट से पहले, अनुमान तो अच्छी आय का लगाया जा रहा है, लेकिन ये अनुमान ही है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट, जो ये अनुमान अभी बताया है ना, इससे कम आए, हालांकि चाहे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाए, लेकिन जो ये अनुमान लगा रहे हैं ना, क्वार्टरली रिजल्ट ऐसे आने के अनुमान है, और कम आए तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये डाटा आप या तो याद रख लीजिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, क्योंकि मैं अपनी डायरी में संभाल के रखती हूँ कि भाई क्या डाटा इन्होंने अनुमान लगाया था और कैसा इनका रिजल्ट आया है। जब रिजल्ट आएगा आपको जरूर अपडेट मैं करने वाली हूँ। अब अगर गिरावट देखने को मिली तो कहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो पहला स्पोर्ट है ये हमारी ट्रेंड लाइन पे लेगी, जो कि रहेगा 188 का। इससे पहले अगर ये मतलब रिकवरी दिखा देता है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर सेकंड स्पोर्ट रहेगा 172 का, और फिर रहेगा 152 का। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाय करो, सेल करो या होल्ड करो।